अभी हमें पता चला कि हमारी ट्रेन अब 3 घंटे लेट हो चुकी है। अभी फैन नहीं होते थे इसीलिए यहाँ पर ऐसे ऐसे चलाकर चलाया जाता था और इससे हवा लगी जाती थी। तो फ्रेंड्स हम सब रेडी भी हो चुके हैं और अब हम लोग पापा हमारे ऑटो देखने गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है ट्रैवल व्लॉग, क्योंकि इस व्लॉग में हम लोग सूरत जा रहे हैं। हमारे चाचू का एक्सीडेंट हो गया इसीलिए, और टिकट हमने ऑनलाइन अपनी बुआ से ही बुक करवा ली थी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6, हमारी ट्रेन है आगरा से कोटा तक की 11:30 से, और फिर 12:15 से रात को हमारी सूरत ट्रेन है वो हमें सुबह के 10 बजे तक पहुँचा देगी। चलिए जल्दी से रेडी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम सब रेडी भी हो चुके हैं और अब हम लोग पापा हमारे ऑटो देखने गए हैं। फिर हम लोग वहाँ से आगरा फोर्ट स्टेशन उतरेंगे, फिर वहाँ से हम लोग अपनी कोटा वाली ट्रेन पकड़ेंगे। ये मेरे पास बहुत सारा प्यास चल रही है पानी पीने, और हमारे साथ हमारे प्यारे लड्डू गोपाल भी आए हैं। ये है हमारे लड्डू गोपाल प्यारे से। तो फ्रेंड्स अभी हम ऑटो में बैठ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट स्टेशन। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन। बस हमारी ट्रेन बस आती है ओरी, तब तक हम लोग यहाँ पर बैठकर वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। तो अभी हमें पता चला कि हमारी ट्रेन अब 3 घंटे लेट हो चुकी है। अभी 12 बज रहे हैं और 3 बजे तक 3:30 बजे तक आ जाएगी, लेकिन हमने उनसे पूछा कि और भी लेट हो सकती है क्या, तो उन्होंने बोला कि संभावना है कि वो 3:30 तक ही आ पाएगी, वो और भी लेट हो सकती है। तो अब हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ खाने के लिए होगा तो खा लेंगे, वरना देखते हैं वहाँ पर बाहर बाजार है तो देखते हैं क्या करते हैं। अभी अरीना की रील बन रही है, अभी हमारे ट्रेन का टाइम नहीं हुआ है इसलिए हम थोड़ा वीडियो बना लीजिए, थोड़ा भी टाइम हो जाएगा। तो हमारी ट्रेन का टाइम अनाउंसमेंट हुआ है 3:30 AM। तो फ्रेंड्स हमारी जो कोटा की ट्रेन थी वो हमने छोड़ दी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही थी, 3 घंटे कौन वेट करेगा। तो इसीलिए हम लोग अब भरतपुर की ट्रेन से जाने वाले हैं। अभी हम एक्सीलेटर पे चढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हम लिफ्ट में बैठ चुके हैं। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं भरतपुर वाली ट्रेन में, ये हमें भरतपुर पहुंचाएगी, फिर हम लोग कोटा वाली ट्रेन अलग पकड़ेंगे। हाँ पता नहीं अब तो चढ़ी ही नहीं आई है। फ्रेंड्स अब हमारा ऊपर चढ़ के आराम से लेट रहे हैं, डर लग रहा है गिरने का, गिरेगा नहीं हम लोग। तो फाइनली हम लोग भरतपुर आ चुके हैं। अब आलू हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। तो और मुझे अभी ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है, तो आलू वही सब चीजें भी लेकर आ रहा है, फिर हम लोग खाएंगे। अभी हमारे लिए समोसा लेकर आया है और माजा और एक पानी की बोतल, क्योंकि हमारी पानी की बोतल में पानी फिनिश हो चुका था इसीलिए। तो हमने समोसा फिनिश कर लिया और माजा भी फिनिश कर ली है। तो अब हम लोग, हमें पता चला कि कोटा से जो हम लोग ट्रेन पकड़ रहे थे पश्चिम एक्सप्रेस, वो भरतपुर से भी है। तो हम लोग वो अभी हमने पता किया, उसका टाइमिंग है 7 बजे। तो अब हम लोग कहते हैं 7 बजे तक 3 घंटे तो यहाँ पर बिता नहीं सकते। तो हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, हम लोग वहाँ पर घूमने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के एंड तक, बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रैवल में। ये रहा आलम और ये रहा हमारा सामान और हमारा लड्डू गोपाल यहाँ पे। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल। हेलो गाइस, कैसे हो? मिलते खुशी हुई। ये है भरतपुर की गलियाँ। हम लोगों ने मंदिर भी घूम लिया, लेकिन वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था इसीलिए हम लोग वहाँ का व्लॉग शूट नहीं कर पाए। और हाँ वहाँ पे हमने जो रील्स बनाई है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे। जो नेक्स्ट हम घूमने वाले हैं वो है भरतपुर म्यूजियम। आलम वहाँ पे खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं भरतपुर म्यूजियम में बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हुई हैं, हम पूरा आप सभी को दिखाते रहेंगे। ये है भरतपुर म्यूजियम। वाह यार कितना सुंदर है।
ये देखिए आप देख सकते हैं ये है पूरा इसका फेस स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं ये 18वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी मूर्तियां हैं। वाओ कितनी सुंदर मूर्तियां हैं ये। आप भरतपुर आ सकते हैं इतनी शानदार मूर्ति देखने के लिए। यहाँ पर इतनी एंटिक मूर्तियां हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आपको यहाँ पर मूर्तियों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम आपको आगे दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक। हम लोग का शो देखने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं, हम सब पार करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा पुराने हथियार रखे हुए हैं 18वीं सेंचुरी के। अगर आपको ऐसे ही हथियार देखने हैं तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के एंड तक। और अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से जाके लाइक कर दीजिए। आप देख सकते हैं ये है पूरे वर्ल्ड की बिगेस्ट डन। चलिए अब पेंटिंग गैलरी घूमने का वक्त है। हमारे पास हमारे प्यारे रज्जू गोपाल भी मजे ले रहे हैं आज को। ये देखिए पेंटिंग गैलरी। तो चलिए अंदर कदम रखते हैं। वाओ यहाँ पर कितनी ठंडक है। ये देखिए ये है पंखा। ये है पुराने जमाने का पंखा। पहले फैन नहीं होते थे इसीलिए यहाँ पर ऐसे ऐसे चलाया जाता था और इससे हवा लगी जाती थी और इससे इसको चलाने में 4-5 आदमी लग जाते थे। ये कमरा खास कमरा है,
ये कमरा महाराजा बलवंत सिंह ने बनवाया था, चलिए देखते हैं। महाराजा बलवंत सिंह आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ खाने आ गए हैं और बहुत जोर से भूख लग रही है, स्टेशन के सामने ही है। तो फ्रेंड्स हमने सब कुछ खा लिया, अब हमें लगा कि अब थोड़ी एनर्जी आई, हमने अभी एनर्जी ड्रिंक भी पी है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन पर वापस। फाइनली हम लोग फाइनल ट्रेन पर पहुंच चुके हैं सूरत वाली, जो हमें 10:30 बजे सुबह के सूरत पहुंचा देगी। अभी बज रहे हैं, अभी 10 बज रहे हैं। हमने सोचा था कि ये बहुत लेट हो जाएगी ट्रेन, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब अपने एग्जैक्ट टाइम से भी जल्दी आ गई है ट्रेन। तो अब ये अब हम सो जाते हैं और ये ट्रेन हमें सुबह सूरत पहुंचा देगी। पर चलो मैं सोना जाऊँ और ये बस सूरत भी पहुँचा दे, थोड़ा थोड़ा जगता रहना पड़ेगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग गोधरा में हैं, अभी 7:30 बज रहे हैं और 10:30 बजे तक हम लोग सूरत पहुँच जाएंगे। तो अब भूख तो लग रही थी, इसीलिए हम लोगों ने नाश्ते में ऑर्डर किया है। हमने ये ऑर्डर किया है, हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग बड़ोदरा पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग सबसे ऊपर वाली सीट पे बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में हम लोग नीचे बैठे हुए थे, मुझे ऊपर वाली सीट भी अच्छी लगती है, इसीलिए अभी हम लोग ऊपर बैठे हुए हैं। आलव भी यहाँ पर बैठा हुआ, ये देखिए कैसे लेटा हुआ है आलव। बैठा नहीं, मैं भी अपनी स्टोरी लगा रहा हूँ। आलव अभी
इंस्टाग्राम की अभी अपनी स्टोरी लगा रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट जाके फॉलो कर लीजिए। आलव की आईडी है आलव अग्रवाल 2021 एंड मेरी आईडी है एनलव 2020। तो फ्रेंड्स फाइनली सूरत रेलवे स्टेशन आने वाला है। बस अभी गाड़ी धीमे धीमे चल रही है, स्टॉप होने वाली है, तो अभी हम लोग स्टेशन से उतरेंगे और फिर ब्लॉग शूट करेंगे, क्योंकि निकलते हुए तो हम लोग बना नहीं सकते, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए हम लोग स्टेशन पर पहुँच के ब्लॉग शूट करेंगे। सूरत आ चुके हैं, ये देखिए हम लोग बस उतरने वाले हैं। ये बस यहाँ पर 2 मिनट रुकी थी। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग सूरत आ चुके हैं, सूरत के रेलवे स्टेशन में आप देख सकते हैं अब हम लोग चाचू के घर जाने वाले हैं। देखिए ये है सूरत का रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा। आई लव सूरत। वो यहाँ पर ट्रेन भी है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं चाचू के घर। हम लोग इतने सालों बाद सूरत आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स हम लोग चाचू के अपार्टमेंट में आने वाले हैं, तो पहले हम लोग चाचू से मिलेंगे। चाचू का स्टूडियो है वो नीचे है और फिर हम लोग ऊपर जाएंगे चाची और मोना के पास। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग चाचू से मिल लिए और अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं चाची और मोना से मिलने। तभी बस लिफ्ट ओपन हो गया, एंटर करने वाले हैं हम लोग। लिफ्ट में एंटर कर चुके हैं, फ्लोर है हमारे चाचू का, तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं फिफ्थ फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर आने वाला है बस, फिफ्थ सेकंड फ्लोर। तो फ्रेंड्स हम लोग फिफ्थ नंबर पे आप फिफ्थ फ्लोर पे आ चुके हैं, देख सकते हैं। चलो अब अंदर चलते हैं, चाची चाची से मिलते हैं, चाची और मोना से। हेलो चाची। हेलो हेलो नाराम ये बस चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, मोना ने हम लोग के लिए पिज्जा बनाया है। मोना खिला दो आप मुझे। आप ये देखिए यहाँ पर फिशेस भी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से अच्छा सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।